नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय शर्मा, न्यूज रिपोर्टर, नॉर्थ इंडिया न्यूज रिपोर्टर। आज हमारी यमुना जी इतनी प्रदूषित हो रही हैं, इसके विषय में सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है, इसके विषय में आज हम बात करते हैं। यमुना मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी लवदेश जी महाराज, जिनसे आज हम चर्चा करते हैं इस विषय में क्यों नहीं सरकार इसका एक्शन ले रही है। जी महाराज जी, बताएं थोड़ा यमुना जी के विषय में, हमें जानकारी दें। भैया, यमुना जी का जल इस समय बहुत दूषित है, जगह जगह पर गंदगी निकली हुई है, पानी भी पूरा काला काला हो गया, आचमन भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आचमन भी नहीं पाते हैं केवल। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ये तो हिंदुओं की सरकार है। हमारे योगी जी से अनुरोध है कि थोड़ा यमुना जी की तरफ ध्यान दें, ताकि यमुना जी को जल आचमन हो सके। इस समय देखो, आप लोग देखो कितनी दूषित पड़ी हुई है यमुना जी। तो मेरी सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि यमुना जी की तरफ थोड़ा ध्यान दें। चाहे वो हमारी ब्राह्मण सभा हो, चाहे ब्रजवासी सभा हो, जितनी भी हमारी सभा है, एक बार ज़रूर अपनी यमुना जी के ऊपर ध्यान दें और उनकी स्वच्छता के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे का डेली।